हो रे आ बेटे सत्यवान बैठ तने हो क्यों ज्यादा देर लगाई तेरे सासू दे आदेश तेरे सासू दे आशीष चाहती हो सारी बातें आपको बताऊंगी। अच्छा? लेकिन हाँ। आप अपने बेटे से शादी करने के लिए मना मत करना। अच्छा? मैं बड़ी आस करके आपके पास आई हूँ, जो पूछोगे मैं सारी बातों के सवाल दूंगी जवाब। सुन ले मेरी बात। देह
रहती हूँ। हाँ माता जी। और बहुत बड़ा घराना है तुम्हारा, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो बेटी कि हम अंधे हैं, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, और जितना हम अंधे हैं हम उतने ही गरीब भी हैं। इस बात को मैं जानती हूँ, आपके बेटे ने मुझसे सारी बात मुझे बता दी। अच्छा। लेकिन माता जी, हाँ, मैं पूरी दुनिया में घूमी हूँ लेकिन मुझे मेरी जोड़ी कवर नहीं मिला। आपका बेटा सत्यवान एक नजर में मुझे पसंद आ गया, मैं उसके पीछे सारा राजपाट सारी तनमाया ठुकराने के लिए तैयार हूँ। आपकी शरण में रुखी सुखी मिल जाएगी, मैं वो भी खा के गुजारा। अच्छा? कर लूंगी। फिर भी मैं तुझे समझाती हूँ, सुनिए मेरी बात। कहिए। सुनिए, हम दर दर की ठोकर खाते रे, दर दर की ठोकर खाते, कल में करे गुजारा, सावत्री ने थारी शरण में आके लिया सहारा। अरे मात पिता हम दोनों अंधे, मात पिता हम दोनों अंधे, बेटा लकड़हारा बेटा मने जानते प्यारा से, हारा लकड़हारा बेटा मने जानते प्यारा से, ये खुद आफत का मारा से रे, ये खुद आफत का मारा से, करते तेरी सहाई समझ लिया मने, समझ लिया भरतार मने वो तेरी नंद कवाई। पसंद आ गया है, अरे मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। हमें तो ऐसे ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं बेटी कि एक दिन का भोजन नसीब होता है तो दूसरे दिन का पता नहीं चलता। मैंने आपसे ये कहा हमारे घर में भूखी मर जाएगी, अगर भोजन ना भी मिला तो भी मैं गुजारा कर लूंगी, आपकी सेवा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, आप मुझे आशीर्वाद दो सासु मां। सुनिए मेरी बात। कहिए। सुनिए, सासू तेरी टहल बजाए मैं, कसर नहीं